बिहार में मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदल लिया है। मॉनसून की कमजोर स्थिति के चलते राज्य में उमस और गर्मी का दौर वापस लौट आया है। पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद अब तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे लोग असहज महसूस कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मॉनसून की गतिविधियों में कुछ कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप नवादा जिला सबसे गर्म स्थान बनकर उभरा है। नवादा में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि रोहतास जिला, जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, सबसे ठंडा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल के अनुसार राज्य में मॉनसून की स्थिति कमजोर रही है। हालांकि मुजफ्फरपुर और सहरसा जैसे जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर में 51.6 मिलीमीटर और सहरसा के अगवानपुर में 27.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार और अन्य स्थानों पर बहुत कम बारिश हुई है। आने वाले 48 घंटों में भी मौसम की स्थिति में ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है। मॉनसून की अक्षीय और चक्रवातीय गतिविधि बिहार से दूर होने के कारण बादल बनने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। इसके चलते उमस बढ़ने और दिन का तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना है। यह स्थिति खासकर दोपहर और शाम के समय असुविधा और बेचैनी का कारण बन सकती है। हालांकि स्थानीय कारणों के चलते दक्षिण बिहार की अपेक्षा तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस दौरान ठनका यानी बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में ठनका से बचाव के लिए इंद्रवज्र मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। इस ऐप को किसी भी स्मार्टफोन यूजर द्वारा आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके लिए प्ले स्टोर में जाकर इंद्रवज्र टाइप करके इसे इंस्टॉल करना होगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसे खोलकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ठनका से संबंधित सतर्कता प्राप्त करें। पटना के मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से ठनका से जुड़ी घटनाओं को कम किया जा सकता है। बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस ऐप का उपयोग लोगों को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकता है। मौसम की इस अस्थिर स्थिति में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होती हैं, सतर्कता बरतना और मौसम के अनुसार खुद को तैयार रखना आवश्यक है। अगले कुछ दिनों तक उमस और गर्मी का यह दौर जारी रह सकता है, इसलिए सावधानी बरतें और मौसम की जानकारी से अपडेट रहें। लोकल 18 के लिए पटना से उद्धव कृष्णा की रिपोर्ट।